दिन भर 31 अगस्त 2021 तुहाडा स्वागत है ते मैं हाँ बलराज सिंह सिद्धू ते लैके हाजिर हाँ। अज दिन भर दीआं खास खबरां ते इन्हां खबरां विच खास होवेगा पंजाब विचों किस जगह तो फड़ी गई करोड़ां दी हैरोइन, आम आदमी पार्टी दी महिला आगू दी हालत गंभीर ते किहड़ी पार्टी अज केंद्र सरकार खिलाफ उतरी सड़कां ते, ते साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दी बरसी मौके किथे होया समागम ते आओ चलदे हाँ खबरां वल। सब तो पहलां चलदे हाँ पैरा ओलंपिक खेडां वल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेडों में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मैडल जीतने सुमित अंतल को बधाई दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा पैरा ओलंपिक्स में साढ़े एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की चमक निरंतर जारी है। पैरा ओलंपिक्स में सुमित अंतल द्वारा नवा रिकॉर्ड बनाने पर पूरे देश को माण है। सुमित को प्रतिष्ठित गोल्ड मैडल जीतने बधाइया। तो इस तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नरगौर में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए दी जाने वाली राशि को मंजूरी दी है। तो एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नरगौर में दुर्घटना में जान गवाने वाले व्यक्तियों के परिवारक मैंबरों के लिए PMNRF के लिए हरेक को 2 लाख रुपए की राशि तो जख्मियों को 50,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। तो इस तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा नाल सूबे के कुछ हिस्सों में हड़ां की स्थिति की जानकारी लैन के लिए गलबात की है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दवाया है कि स्थिति नाल निपटन के लिए केंद्र की सरकार हर तरह की संभव सहायता करेगी। तो उत्थे ही मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 26वीं बरसी से उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करदिया कांग्रसी आगूआं वालों पंजाब की शांति ते खुशहाली नूं बरकरार रखन विच उन्हां दे महान योगदान नूं याद किया गया। तो पार्टी नेतावां ने ते मैंबरां ने एक बयान विच कहा है कि अमन कानून की बहाली लई मरहूम बेअंत सिंह दे बलिदान नूं हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब सरकार वालों अज चंडीगढ़ विखे मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की याद में आयोजित सूबा पद्धरी समागम दौरान उन्होंने 26वीं बरसी सैक्टर 42 चंडीगढ़ विखे मनाई गई है। तो पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1991 में हत्या कर दी गई। तो पंजाब के मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह याद करदिया सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस मौके मरहूम मुख्यमंत्री के पोतरे ते संसद मैंबर नवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हां वल्लों शुरू कीतियां विकास नीतियां ते स्कीमां नूं अगे लै जाण दा अहद रहाया। तो उधर जेलां विच बंद बदनाम गैंगस्टरां द्वारा शक्की तौर पर चलाए जा रहे एक वड्डे ड्रग सिंडीकेट का पर्दाफाश करदिआं पंजाब पुलिस ने सोमवार को कपूरथला पुलिस द्वारा 2 नशा तस्करां की गिरफ्तारी नाल अंतरराष्ट्रीय बाजार विच 100 करोड़ रुपए की कीमत की 20 किलो हैरोइन बरामद की है। 2 नशा सप्लायर ते डीलरां की पछाण बलविंदर सिंह पिंड सारंगवाल हुशियारपुर ते जलंधर के बस्ती दानशमिंदा इलाके के पीटर मसीह वजों हुई दसी जाती है। पीटर पहला ही 2 अपराधक मामलों में दा सामना कर रहा है। DGP पंजाब दिनकर गुप्ता ने दस्या है कि जदों पुलिस टीमों ने सोमवार को कपूरथला के ढिलवां पुलिस नाके से एक ट्रक ते एक हंडूई I-20 कार नूं रोकिया तां गड्डी दी तलाशी लैण नाल 20 किलो हैरोइन की खेप बरामद हुई है। तो उधर करनाल में शांतमई धरनाकारी किसानों ते पुलिस वालों किए अत्याचारों के रोस वजों अज आम आदमी पार्टी वालों सूबे भर में जिला पद्धर से रोस धरने दिए गए हैं। तो इन्हों रोस धरनों की लड़ी में जिला फिरोजपुर से फाजिलका भी रोस प्रदर्शन किए गए। जिला फिरोजपुर प्रधान चंद सिंह गिल और सूबाई आगू रणबीर सिंह भुल्लर की अगवाई हरियाणा की खट्टर सरकार ते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खिलाफ सारागढ़ी गुरद्वारा साहब तो लैके DC दफ्तर तक रोस मुजहरा किया गया। तो उधर आम आदमी पार्टी महिला विंग वालों BJP के खिलाफ किए विरोध प्रदर्शन दौरान चंडीगढ़ पुलिस द्वारा आम आदमी दहिलावान अहदेदारा वलंटियर किए दुरव्यवहार नूं लै के अज सूबा प्रधान राजविंदर कौर की अगवाई में पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नूं पुलिस मुलाजमान ते अफसरां खिलाफ़ कार्रवाई की मंग संबंधी मंग पत्र दिता गया। तो उत्थे ही आम आदमी पार्टी की यूथ आगू अनमोल गगन मान की सेहत खराब होने तो बाद अज मोहाली दे फोर्टिस हस्पताल विच दाखल करवाया गया। उधर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रग माफिया द्वारा सूबे में फैलाए नशे के जाल में अपने बच्चे गवाने वाले हज़ारा पीड़ित मापियां नाल दुख साझा किया। खबर अजे होर भी ने। पंजाब सरकार ने प्रायमरी स्कूलों अते मिडल स्कूलों के नवे गेट बनाउण ते पुराने गेटां दी मरम्मत करन लई 4 करोड़ रुपए के करीब राशि जारी कर दी है तां जो स्कूलों का मूँह मत्था होर सवारिया जा सके ते विद्यार्थियों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा सके। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के एक बुलारे ने दस्या कि पंजाब विच 70% स्कूल नूं समार्ट स्कूलों में बदल दिता गया जिस करके इन्हां स्कूलों की पूरी तरह कायाकल्प होगी। पर सूबे के 98 स्कूलों में अजे तक गेट नहीं हैं। 1622 की मरम्मत होने वाली है। इसनों ध्यान में रखते हुए डायरैक्टर जनरल स्कूल सिक्ख्या ईशा कालिया ने
3,93,00,000 रुपए जारी करने लिए पत्र जारी कर दिता। तो उधर अज राजस्थान के नागौर च सवेरे एक क्रूजर कार की एक ट्रक नाल टक्कर होने कारण 11 व्यक्तियों की मौत होने की खबर है। इस तो इलावा एक इस टक्कर च 7 व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी होए जिन्हां नूं बीकानेर दे नोखा दे एक हस्पताल विच भेजा गया। ते उत्थे ही कर्नाटक च अज सवेरे एक सड़क वड्डा सड़क हादसा वापरिया, एक तेज़ रफ्तार कार खंभे नाल टकरा गई। इस हादसे च 7 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत होने की खबर है। तो घटना तो बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के लाशों नूं बाहर कढ़ना शुरू कर दिता है। उत्थे ही पंजाब के गुरूहर साहिब दे नेड़े चोक टहल सिंह वाला रेलवे स्टेशन दे नेड़े अज सवेरे गड्डी हेठ होण कारण एक लगभग 19 वरियां दे नौजवान की मौत होण दा दुखदायक समाचार भी है। तो उत्थे ही पंजाब भवन चंडीगढ़ च पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों वधी हुई समाजिक सुरक्षा पेनशन वंड की शुरुआत की गई है। हुण 27,00,000 बजुर्ग विधवा बेसहारा बच्चों ते दिव्यांग लाभपात्रियों नूं 750 रुपए की थां ते 1500 रुपए महीनावार पेनशन दिती जाएगी। तो उधर विदेशी अतवादी संगठनों नाल जुड़े एक व्यक्ति जो कि तरन तारण के पिंड जौल धाईवाल दा रहण वाला की गिरफ्तारी नाल पंजाब पुलिस वालों सरहदी सूबे विच एक होर संभावी अतवादी हमले नू नाकाम कर दिता गया। डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP पंजाब दिनकर गुप्ता ने अज दस्या है कि पुलिस वालों उस पासों चीन के बने P86 मार्के के 2 जिंदा हथ गोले भी बरामद किए गए हैं। तो DGP ने यह भी दस्या कि इस व्यक्ति ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰੀਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ RDX ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।